नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुलाब ठाकुर है और मैं आपको नैतिकता और सत्यनिष्ठा से संबंधित जो पेपर होता है सिविल सर्विसेज में, जिसकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है इस पेपर के द्वारा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 200 अंक का ये पेपर पूछा जाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में और 250 अंक का पूछा जाता है संघ लोक सेवा आयोग में। अब हम बात करें इस पेपर की जो प्रकृति है उसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग के अंतर्गत विषय सामग्री से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और दूसरे भाग के अंतर्गत प्रकरण अध्ययन अर्थात केस स्टडी पूछी जाती है। अगर दोनों के हम रेशियो की बात करें तो लगभग 50% 50% का अनुपात में दोनों का बांटा जाता है, पर ऐसा कुछ फाइनलाइज नहीं है, कई बार थोड़ा कम और ज़्यादा उसमें हो जाता है। तो अगर बात करें विषय सामग्री, मतलब आपको पहली यूनिट से लेकर आखिरी यूनिट तक में जो भी सिलेबस दिया गया है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। दूसरा है प्रकरण अध्ययन, कि आप किसी परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, किस प्रकार से आप कार्यों को करते हैं, निर्णय लेने की आपकी क्षमता क्या है, उसका जो अध्ययन है वो प्रकरण अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो पेपर है इसको यहां रखने का मूल उद्देश्य क्या है, तो इस पेपर को सिविल सर्विसेज में रखने का मुख्य उद्देश्य है कि एक जो सिविल सेवक है उसमें नैतिकता का स्तर क्या है, वो किन नैतिक मूल्यों के आधार पर कार्य करता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको इस पेपर को समझने से पहले या इस पेपर की विषय वस्तु को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर सिविल सेवा होती क्या है, नौकरशाही होती क्या है, हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो वास्तव में है क्या, तभी हम उससे संबंधित चीजों को समझ पाएंगे कि उसमें कौन से मूल्य होना चाहिए, कौन से मूल्य नहीं होना चाहिए, तो किन किन सकारात्मक मूल्यों का विकास किया जाए उन लोक सेवा या नौकरशाही में, जो कि एक अच्छी नौकरशाही का विकास कर सके। तो अगर हम इस पेपर की प्रकृति देखें तो इस पेपर का उद्देश्य ये है कि लोक सेवा में नैतिक मूल्यों का विकास करना। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शिक्षकों के द्वारा इस पेपर को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि सत्यनिष्ठा क्या है, जवाबदेहिता क्या है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि आखिर लोक सेवा क्या है, नौकरशाही क्या है, जिसमें ये मूल्य आवश्यक है वो चीज होती क्या है। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक उठाएंगे वो ये उठाएंगे कि लोक सेवा या नौकरशाही या सरकारी सेवा, आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं सरकारी सेवा, वो होती क्या है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि लोक सेवा या नौकरशाही क्या होती है, तब तक हम इस पेपर के अंदर जो हमें विषय वस्तु दी गई है उसको अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो उसको आत्मसात करने के लिए सबसे पहला टॉपिक हम यहां उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है लोक सेवा या नौकरशाही। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना हमारे लिए आवश्यक है कि नौकरशाही या लोक सेवा होती क्या है। तो नौकरशाही के संबंध में सबसे जो आइडियल टाइप में अध्ययन किया गया है वो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। मैक्स वेबर ने दुनिया के लगभग 8 देशों का अध्ययन करने के बाद नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर ने बताया कि जो नौकरशाही होती है उस नौकरशाही योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। यानी हम सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो नौकरशाही या लोक सेवा से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जो कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर विधायिका द्वारा जो भी नीति निर्मित की जाती है उन नीतियों को व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसी को कहा जाता है नौकरशाही या लोक सेवा। अब हमने यहाँ पर कुछ शब्द इस्तेमाल किए, जैसे कि हमने शब्द इस्तेमाल किया कि विधायिका के नियंत्रण में रहकर कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य। तो दो शब्द यहाँ पर आए हैं, एक आया है आपका विधायिका। विधायिका यानी आप जानते होंगे कि जो आपकी संसद है उसे क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। और कार्यपालिका यानी आपका जो मंत्रियों का जो समूह होता है, मंत्रिमंडल जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कार्यपालिका। तो आप देखें दोस्तों कि हर सरकारी सेवा का जो प्रमुख होता है, विभागीय प्रमुख होता है, वो एक मंत्री होता है, वही मंत्री क्या कहलाता है, कार्यपालिका।
और जितने भी लोक सेवक हैं, जितने भी नौकरशाह हैं, उनका प्रमुख कार्य है कि सरकार जो भी नीतियां बना रही है उसको क्रियान्वित करना। तो हमारी परिभाषा देखिए बिल्कुल यहां पर फिट बैठ रही कि विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों को कार्यपालिका के नियंत्रण में रहकर क्रियान्वित करने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे नौकरशाही या लोक सेवा कहा जाता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कुछ विशेषताएं भी बतलाई हैं, लोक सेवा की कुछ आदर्श विशेषता है। जैसे कि सबसे पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो योग्यता के आधार पर चयनित, अर्थात लोक सेवा या नौकरशाही में जो चयन होता है उसके चयन का एकमात्र आधार है योग्यता। अब ये योग्यता अलग अलग पैमानों के आधार पर मापी जा सकती है, जैसे हो सकता है कि शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से आपकी योग्यता मापी जाए, या हो सकता है प्री मेंस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी योग्यता मापी जाए, लेकिन आधार योग्यता ही रहेगा। पैमाना कुछ भी हो सकता है लेकिन आधार जो है नौकरशाही के चयन का आधार योग्यता होती है। दूसरी विशेषता निश्चित संस्तरण, यहाँ दोस्तों संस्तरण का अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। संस्तरण यानी स्टेटिफिकेशन, अर्थात उच्चता और निम्नता के क्रम में जो बंटवारा होता है उसे कहा जाता है संस्तरण। तो नौकरशाही में एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक अधिकारी को ये पता होता है कि उसे किसके आदेशों का पालन करना है और किसे आदेश देना है। जैसे कि हम एग्जांपल लें पुलिस विभाग का, तो पुलिस विभाग में एसआई होता है, टीआई होता है, डीएसपी का पद है, एसपी का पद है। हमने कुछ सामान्य से एग्जांपल लिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पर क्लियर है कि किनको आदेश देना है और किनके आदेशों का पालन करना है। डीएसपी किसको आदेश दे सकता है, टीआई को, टीआई किसको आदेश दे सकता है, एसआई को। तो यहाँ पर एक निश्चित संस्तरण व्यवस्था नौकरशाही में पाई जाती है। अगली विशेषता पर अगर हम चलें तो अनामता, अनामता का अर्थ होता है पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना। जैसे कि बात करें दोस्तों जितनी भी नीतियां हैं इन सारी नीतियों का निर्माण एक नौकरशाह के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि नौकरशाही वो योग्य व्यक्ति है जिसे सारे डाटास, आपकी आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, राष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य क्या चल रहा है, इन सबको देखते हुए वो नीतियों का निर्माण करता है। लेकिन अंतिम रूप से नीतियां बनाने का श्रेय किसको मिलता है, कार्यपालिका को। इसलिए कहा जाता है अनामता, यानी कार्य तो करता है पर उसका नाम नहीं आता, ये पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है। इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनका पूरा श्रेय किसके द्वारा लिया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा, क्योंकि इनका प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का कोई व्यक्ति होता है अर्थात मंत्री होता है। तो इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनका श्रेय चूंकि पूरा कार्यपालिका के पास होता है इसलिए कहा जाता है कि इनकी एक विशेषता है अनामता। निश्चित नियम, हम अभी जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया कि निश्चित संस्तरण, अनामता, अब बता रहे हैं कि निश्चित नियम, अर्थात नौकरशाह जो होते हैं वो एक निश्चित नियमों के तहत कार्य करते हैं। पहले से ही पूरी नियमावली स्पष्ट होती है कि कौन से नियमों को आपको मानना है, आपके विभाग से संबंधित क्या नियम रहेंगे, तो इनके नियम पहले से ही निर्धारित होते हैं। बात करें अगली विशेषता निश्चित वेतन, अर्थात नियुक्ति के समय ही ये निर्धारित हो जाता है कि आपका वेतन क्या है और आपके वेतन में समय समय पर कितनी वृद्धि की जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि इनका वेतन निश्चित होता है। आयु, अगली विशेषता है निश्चित आयु, अर्थात नियुक्ति की क्या आयु होगी और रिटायरमेंट की क्या आयु होगी ये पहले से निर्धारित होता है। तो ये कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं जो कि हमने देखी नौकरशाही या लोक सेवा की विशेषताएं। बात करें वर्तमान समय में कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण नौकरशाही में परिवर्तन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से कारण उत्तरदायी हैं जिनके कारण नौकरशाही में परिवर्तन आ रहा है। पहला कारण शिक्षा का विकास, आधुनिक समय में शिक्षा के विकास के कारण नौकरशाही में परिवर्तन आ रहा है। लोगों में तार्किकता वाली सोच आ रही है, लोगों के अधिकार के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं जिसके कारण अब नौकरशाह पहले जैसे कार्य नहीं कर पाते, अब उन पर नियंत्रण बना रहता है। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि शिक्षा का विकास। दूसरा कारण संचार एवं यातायात के साधनों का विकास, संचार एवं यातायात के साधनों का विकास होने से भी नौकरशाही के कार्यों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के कारण हम शेष विश्व के साथ जुड़े हैं, हमने उनकी कुछ पद्धतियों को स्वीकारा है, हमारी कुछ पद्धतियों को शेष विश्व ने स्वीकारा है, जिसके कारण जिसका प्रभाव हमारी नौकरशाही पर भी पड़ा है जिससे उसमें परिवर्तन आए हैं। अगर हम बात करें समय समय पर विभिन्न आंदोलन, जैसे कि हम बात करें महिला आंदोलन या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, इन आंदोलनों के कारण कहीं ना कहीं नौकरशाही पर दबाव पड़ता है और नौकरशाही की विशेषताओं में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के परिवर्तन नौकरशाही में आ रहे हैं। वर्तमान की जो नौकरशाही है वो परंपरागत नौकरशाही से बिल्कुल भिन्न है। परंपरागत अर्थात जो पहले हुआ करती थी, जिसकी एक विशेषता हमको
मैक्स वेबर ने बतलाई है। तो आधुनिक नौकरशाही में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो सबसे पहले आधुनिक नौकरशाही अनुक्रियाशील हो गई है। अनुक्रियाशील का अर्थ होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करना। जैसे दोस्तों आप आज से 15 साल पहले का सोचिए, जो 15 साल या 20 साल पहले की नौकरशाही थी बड़े उदासीनता से कार्य करती थी। आप गए, आपने फॉर्म दिया, आपने कहा साहब ये काम करना, आपका फॉर्म लिया, आपकी तरफ देखा और फेंक दिया, ठीक है आइए बाद में। तो ये क्या था, उदासीनता, यानी उनको उत्साह नहीं है आपके काम को करने के लिए। अब नौकरशाही अनुक्रियाशील हो गई है। अब अगर आप कोई भी डाटा लेकर जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाते हैं, तो आपको बकायदा बताया जाता है कि आपका ये काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और इतने दिन में काम को पूरा किया जाएगा। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करना, क्योंकि निजीकरण बढ़ गया है, निजी कंपनीज भी अब आ गई हैं इन क्षेत्रों में, तो इनसे कॉम्पिटिट करने के लिए अनुक्रियाशील होना आवश्यक हो गया है। दूसरी बात करें प्रतिबद्धता, तो ये जो परिवर्तन है थोड़ा सा नकारात्मक परिवर्तन है नौकरशाही का, कि जहां परंपरागत नौकरशाही शासकीय योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहकर कार्य करती थी, वहीं आधुनिक नौकरशाही अब राजनेताओं के प्रति और राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर कार्य कर रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, चुनाव के पहले बड़ी मात्रा में होने वाले तबादले, हर राजनेता चाहता है कि उसकी पसंद का व्यक्ति उसके जिले में नियुक्त हो, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब जो नौकरशाह हैं वो राजनेता और राजनीतिक दलों के प्रति समर्पण की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। ये थोड़ा नकारात्मक परिवर्तन है। अगला है पारदर्शिता। जहां परंपरागत नौकरशाही गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत कार्य करती थी, अब आधुनिक नौकरशाही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपने कार्यों को करती है। मतलब पारदर्शिता का अर्थ होता है अपने कार्यों को खुले रूप में करना। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको उसी रूप में जनता के समक्ष रखना क्या कहलाता है, पारदर्शिता। अगली विशेषता है मानसिकता में परिवर्तन। दोस्तों ये बड़ा ही रोचक परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम देखें कि पहले के जो नौकरशाह थे स्वयं को मालिक समझते थे कि हम बड़े हैं, अन्य लोग उनसे क्या है, छोटे हैं, यानी शासक वाली मानसिकता, बड़े लोगों की मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता। पर वर्तमान में इस मानसिकता में परिवर्तन आया है। अब लोक सेवक अपने आप को सेवक ही मान के कार्य करते हैं, अब वो राजा वाली मानसिकता का क्या हो गया है, लगभग समाप्ति की ओर है। अब चूंकि आधुनिक लोग आ रहे हैं, मैच्योर लोग आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सेवक मान के, नौकर, नौकरशाही नाम ही है, नौकर, आप नौकर बनने आ रहे हैं, शासक बनने नहीं आ रहे हैं। तो नौकरों वाली मानसिकता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, कि अब नौकरशाह समझ रहे हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम शासक नहीं है। अगली विशेषता है लक्ष्योन्मुखता। जहां परंपरागत नौकरशाही साधनों को महत्व देती थी और लक्ष्यों की उपेक्षा करती, साधन मतलब नियम, कि भाई नियम है 9 से 5 का जॉब, मतलब 9 से 5 का जॉब, आप 5:15 बजे आए, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, यानी नियम प्राथमिक हो गए, यानी साधन प्राथमिक थे, अब लक्ष्य प्राथमिक है, इसलिए कहा जाता है लक्ष्योन्मुखता। लक्ष्य क्या है, जनता की सेवा करना, चाहे समय से पहले चाहे समय के बाद, अगर हमको कार्य करना पड़े तो हम कार्य करेंगे, लेकिन हमारे लक्ष्य को पूरा करेंगे, इसी को कहा जाता है लक्ष्योन्मुखता। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो नकारात्मक प्रकृति के भी हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। तो ये हमने देखा नौकरशाही, सबसे पहले देखा नौकरशाही होती क्या है, फिर हमने देखी उसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं, सामान्य विशेषताएं, फिर हमने देखे परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, और हमने देखा अब क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, यानी वर्तमान में नौकरशाही की स्थिति क्या है। अब इसके बाद के वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या क्या मूल्य नौकरशाही में होना चाहिए, किस किस प्रकार के नैतिक मूल्य होना चाहिए, किस किस प्रकार का आचरण उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ये सब हम देखेंगे इसके बाद के वीडियोस में। थैंक यू।